वैसे बिना पेमेंट, बिना खाता नंबर के पेमेंट की सुविधा वाले यूपीआई का इस्तेमाल अब कार्ड स्वाइप वाली पीओएस मशीनों पर भी किया जा सकेगा। पेमेंट सॉल्यूशन देने वाली आरबीआई की सब्सिडियरी एनपीसीआई ने इसे आज पीओएस मशीनों के लिए भी लॉन्च किया है। यूपीआई से पेमेंट ऑप्शन के तहत एक क्यूआर कोड जनरेट होगा जिससे तुरंत पेमेंट हो सकेगा। पीओएस वाला यूपीआई कैसे काम करेगा ये बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अभी तक आप अगर पीओएस मशीन पर पेमेंट करते थे तो उसके लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना जरूरी था और उसके बाद आपको अपना पिन एंटर करना पड़ता था और उसके बाद ही ट्रांजैक्शन पूरा होता था। लेकिन एनपीसीआई ने एक नया फीचर लॉन्च किया है और इसके अंदर पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। जो मर्चेंट के पास जो पीओएस मशीन है वहां पर अब एक नया फीचर होगा यूपीआई का फीचर और इस यूपीआई फीचर के जरिए आप अपने मोबाइल फोन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और ये पूरी तरह से टचलेस पेमेंट होगा। और जिस तरह से अब ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक अमाउंट डालेंगे और इस अमाउंट को हमने चूज करा है 10 रुपये और इस 10 रुपये को ऐड करने के बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होगा और उस क्यूआर कोड को सिर्फ जो भीम ऐप है या फिर आपके पास जो भी मोबाइल बैंकिंग का ऐप है उसको आपको इसको स्कैन करना है और ये स्कैन होते ही रियल टाइम जो है पेमेंट हो जाएगा और जो आपका मोबाइल बैंकिंग का ऐप है उसमें ये डिटेल्स आ जाएगी। हमने ये भीम ऐप के जरिए पेमेंट किया है इसलिए एक बार एम पिन भी डालने की जरूरत पड़ी, लेकिन अगर ये आप किसी और मोबाइल बैंकिंग के ऐप से करते हैं तो इस पिन को भी डालने की जरूरत नहीं है और आप देख सकते हैं रियल टाइम जो पेमेंट है आपके मोबाइल बैंकिंग से आपकी यूपीआई ऐप से मर्चेंट को हो गया है और इसकी रियल टाइम प्रिंट भी आ गई है। तो ये जो फीचर है ये आज एनपीसीआई ने लॉन्च किया है और इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट्स को जिनके पास पीओएस है लेकिन कार्ड की जो है स्वीकृति नहीं है और ये कॉन्टेक्ट लेस जो है पेमेंट्स को बढ़ावा देना है।